हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं काफ़ी महीनों के बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में कुछ कारणवश में बिजी हो गया था और आम मरा जो ज़िंदगी हमारी होती है वो उथल पुथल भरी होती है। तो आज मैं आपके सामने एक एक्साइटिंग न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। मैं मदर्स डे के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ और आज मैं आया हूँ रीडिंग के लिए। तो जो हमारे एक्टर्स हैं उनके साथ मैं रीडिंग करने आया हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ उनका रिएक्शन देखने के लिए। तो इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं उनके घर पे और इंट्रोड्यूस करते हैं एक से एक एक्टर्स के साथ। सी यू। जिसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, दिस एक्टर नीड्स नो इंट्रोडक्शन, शरत मल्होत्रा। Hi guys. Hi. Hi Balash. Hi. Hi Sharat. Finally we collaborate together. After 17 years, 18 years of knowing each other. Correct. तो हम एक हम दोनों इकट्ठे एक रूम में इसके कैरेक्टर्स लेकर इस फिल्म में ज्यादा मैं रिवील नहीं करूंगा। इनके कैरेक्टर का नाम है रोहन और मेरे कैरेक्टर का नाम है अभय। और यू नो आई टेल यू वन थिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू शरत, आई हैव बीन एडमायरिंग योर वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड the one best thing about you as an actor is that you have never been boxed in a particular category. Normally kya hota hai, jaise hum TV industry ke actors ke bare mein baat karte hain tab pata chalta hai ki unko ek box kiya jata hai particular image mein, and by God's grace as I would say, and I really admire that you have been very picky and choosy in terms of work, jo bahut hi acha hai, kyunki artist ka bhi involvement apne positioning ko lekar bahut important ho jata hai ताकि वो रिपीटेटिव ना लगे। एंड आपकी जो आपका जो पहला शो था बनू में तेरी दुल्हन, वो से लेके कसम से लेके अभी आपने जो लास्ट शो किया है एंड राइट नाउ यू आर आल्सो गेटिंग टू द वेब स्पेस, सो वुड यू लाइक टू से समथिंग मोर अबाउट दैट? एब्सोल्युटली, आई थिंक जैसे आपने कहा, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड कीप पुशिंग बियॉन्ड द लिमिट एंड कीप गेटिंग अनकंफर्टेबल। कुछ भी अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले करें तो उसमें आप यू शुड नॉट बी वेरी कंप्लेसेंट अबाउट इट, यू नो, जस्ट कीप पुशिंग योरसेल्फ as much as you can, and I think keep challenging your limits. So yeah, I think rightly said, I think you have an eye for casting. I think you've been probably one of the finest casting directors we have around. And first time, I think Balash and I are actually collaborating. So yeah, it feels good that and also collaborating on something very interesting, something very sensitive. Yes, absolutely. Which will not reveal right now. We can't say much. We can't say much. Or may one of the very hot. Topical, in India right now, Praveena Deshpande ji. Praveena, I am so glad that you have okayed the subject and you are a part of the project. What do you think about it? Subject wise, तो it is very special. और जैसे ही पलाश ने मुझे नरेट किया स्टोरी, तो मुझे तुरंत लगा, मतलब मुझे सोचने में टाइम भी नहीं लगा। मैंने कहा कि यस पलाश, मैं और पलाश भी गो अलोंग वे ऑलमोस्ट 20-22 इयर्स तो हम एक दूसरे को जानते हैं, एंड द वे ही वाज रीडिंग द स्टोरी और जिस एंथुसियाज्म और पैशन से इसने नरेट किया एंड द सब्जेक्ट ऑल्सो ऑफकोर्स। And I'm with folded hands, I thank you. Yeah, because you are going through so much, and in spite of that, आपने हामी भरी और your और प्रवीणा जी बहुत अरसे के बाद, बहुत टाइम के बाद ऑन स्क्रीन फिर से आने वाली है। तो काफी सारी चीजों से जूझ रही है, पर इसके बावजूद उन्होंने मेरे फिल्म को सपोर्ट किया, इस कॉज को सपोर्ट किया और उनको स्टोरी पसंद आई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बिकॉज माँ का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में बहुत ही पिवोटल कैरेक्टर है और इनसे बेटर, आई मीन आई कांट से फर्दर, आप लोगों को फिल्म देखनी पड़ेगी। सो प्रवीणा जी, एक्चुअली आई कुड रिलेट विद द कैरेक्टर, या मतलब सबसे बड़ी बात है कि मैं उस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाई और मुझे एक थोड़ा भी समय नहीं लगा पलाश के पलाश एंड मतलब मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हामी में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ एंड ही इज नॉन अदर देन मानिक तलवार। तो हम मिले कुछ दो तीन हफ्ते पहले और पहली मुलाकात में हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई कि हम दोनों ने एक दूसरे को ट्रस्ट करके, और मैं आई थॉट दैट मानिक इज द राइट पर्सन टू डायरेक्ट दिस फिल्म, बिकॉज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, जो हम आपको अब ये नहीं बताने वाले कि टॉपिक क्या है। तो मानिक, योर थॉट्स ऑन द नॉट ऑन द फिल्म बट आर एसोसिएशन, हाउ आर यू लाइकिंग वर्किंग ऑन इट एंड हाउ एक्साइटेड आर यू टू डायरेक्ट अस?
मुझे हेलो और मुझे सबने बताया मुझे सबने बताया अपनी स्टोरी के बारे में कि मैंने कहानी लिखी है सो उसका स्क्रीन प्ले मैंने डेवलप किया तो कहानी बहुत यूनिक है. मुझे पलाजी ने बताया कि वो पिछले 4-5 साल से इस कहानी को जी रहे हैं. उन्होंने काफ़ी केसेस देखे हैं ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं सो उसके ऊपर हमने स्क्रीन प्ले डेवलप किया है और फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं और सबकी बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी फीलिंग है. होप यू गाइस लाइक इट. यू नीड योर सपोर्ट. आज हम मेरी शॉर्ट फिल्म जो है थैंक्स मॉम की शॉपिंग करने आए हैं मेरे कैरेक्टर के लिए और इस वक्त हम अंधेरी स्टेशन में हैं तो देखते हैं क्या मिलता है क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस हैं और कुछ घर के सीन्स हैं कुछ आउटडोर सीन्स हैं तो अभी फिलहाल इन्होंने ये दिखाया है और लुक जो है कैरेक्टर जो है वो आर्किटेक्ट का है यदि तो आर्किटेक्ट वैसे भी बहुत ही सोवर ड्रेस करता है. क्या जय देव करें. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति वो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति. जय देव जय देव महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न गुरुवे देव गणपति बप्पा मूर्ति हर हर महादेव. एक फोटोग्राफ ले लेते आप मेकअप कर रोलिंग एंड एक्शन. फोन कर रहे हो कट कर लो. अच्छा एक बात पीछे भी वॉल पे पैटर्न होता है व्हेन यू गिव दिस लाइट लाइट उनका फेस देखो. हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ. ये आपको नहीं देगा. हाँ बट हमें थोड़ा ब्राइट फुटेज चाहिए. हाँ ये ब्राइट है इसको मैंने बूस्ट कर दिया. शोभन मेरे को ये रोहन और मेरे भी कुछ फर्ज हैं पर आरुषि एक अच्छी लड़की है. अभी से कितना ख्याल रखती है मेरा और तुम भी तो उसके अच्छे दोस्त हो. Just walk towards. अभी नहीं कट. हाँ वेरी नाइस. This matches okay. It was slightly tilted. Cut. एक एक क्यूट सी स्माइल दो. हां मैं दूंगा. नहीं आते दे दो कि वो आपने क्या हमने क्या डिसाइड किया पहले थोड़ा एंग्रोस होते काम में तो भी लगे कि ये लोग सीरियस है काम के प्रति हल्का सा एंड देन द और मां ने देखा रोहन आपकी तरफ देख रहा है और हंस रहा है और आप रोहन एकदम से आपकी तरफ बड़ा और गिर गया. रोहन और ये Rolling and action. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rohan. Happy birthday to you. Match कर दो. पीछे की बात. What's it? और पहले का टिक डाल दो उसका. पीछे की बात. What's it? पीयूष की वजह से मैं गया था. इसमें पीयूष की गलती कैसे हुई माँ. ब्रॉन्ज मेटालिक लुक सही लग रहा है ना और मेरे जो टी शर्ट का कलर ठीक है. डिसेंट कलर है ना तो आकांक्षा का शरद का और इसका जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर है ये ठीक है. थैंक्स मॉम आउट नाउ. और राइटर भी हूँ मैं. शरद
बलोत्रा जिन्होंने रोहन का वहाँ ज्वाइन किया है।